नमस्कार, हीरा रिएक्शन टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आई होप कि आप लोग पे मस्त है, स्वस्थ है, बल चंगे हैं, ठीक ठाक है। ठीक ठाक है ना? मतलब मैं तो ठीक ठाक हूँ, आप बताना कमेंट करके। आप ठीक ठाक हो, मस्त हो, भले चंगे हो, नहीं हो? और क्या, वैसे गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है, पर वो चिपचिप वाली गर्मी चल रही है, क्या करें। और बारिश हो रही है, अच्छे से नहीं हो रही है हमारे यहाँ पे तो, पर यह है कि बिना फैन के रह ले रहे हैं। नहीं यार, फैन चलाना पड़ रहा है, पर क्या करें, हम जैसे थोड़ी वीडियो बनाने के लिए फैन बंद करना पड़ता है, इसलिए अभी तक मुझे बिना फैन के रहना ही पड़ रहा है ना? तो इसलिए मैंने निकल गया। आप कमेंट में मत माना कि कभी बोल रही है कि चिपचिप वाली गर्मी है, कभी बोल रही है बिना फैन के रहना। तो यार थोड़ी मेरे जो शब्द है ना, वो थोड़े इधर उधर फिसलते रहते हैं। पर छोड़ो, शब्दों पे मत जाइए, गानों पे आइए। तो आज कोई हिमाचली गाना नहीं है, पर एक बार पता क्या हुआ था, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हिमाचली गाना लिख दिया, तो मुझे कमेंट आया था कि ये हिमाचली गाना नहीं है, ये कश्मीर का गाना है। तो कोई बात नहीं यार, मुंह से निकल जाता है, आप भावनाएं समझ जाया करो ना। अब हिमाचल हिमाचल इतना दिलो जुबान में बसा हुआ है, तो अब हिमाचली निकल ही जाता है, तो मैं भी क्या करूं यार। कोई बात नहीं यार, आप बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो मेरे, जो मेरी गलतियां पकड़ते हो और मुझे उससे कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैं जब भी गाना देखती हूँ ना, अब मैं उसका टाइटल पूरा, उसके डिस्क्रिप्शन पूरी पढ़ लेती हूँ, उसके बाद ही अपने मुंह से बोल निकालती हूँ। नहीं यार, ये हिमाचली गाना नहीं है, ये घरवाली सॉन्ग है। प्रियंका महर और विशाल शर्मा जी ये गाने पे है, ए जी सुना। मतलब इसमें गाने में, घरवाली सॉन्ग में पता क्या है, एक एक पूरा स्टोरी क्रिएट की है। सास ससुर बीवी पति, बेचारा पति कहाँ जाए, बीवी की सुने या माँ की सुने, है ना? और इसमें एक ढिंझसी सासू माँ बताइए, जो अपनी बीवी को, सॉरी बहू को परेशान करती रह रही है। पर गाने के बोल बहुत अच्छे हैं, एंटरटेनिंग गाना है, और मैं इस गाने को देख के कभी भी बोर नहीं हुई, क्योंकि मुझे इसकी स्टोरी ही बहुत अच्छी लगी। ए जी सुना, हमारे में भी हिमाचली में भी ऐसे बोलते हैं, नाम नहीं लेते ना पति का। ए जी सुना सुना ला, उदे पापा बस ऐसे ही बात करते हैं। और वैसे अब वो मॉडर्न जमाना है, तो अब नाम लेना शुरू कर दिया है। कौन कौन अपने हस्बैंड का नाम लेते हैं कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? और मैं भी बताऊंगी कि मैं वो क्या बोलती हूँ, है ना? तो चलो सुनते हैं ए जी सुना। सही बात है यार, आजकल दुनिया फैशन के पीछे ही भाग रही है, पर इनके भी कोई गलती नहीं है। बुढ़ापे में फैशन करेंगे तो बोलेंगे बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, जवानी में करेंगे तो कोई करने नहीं देगा। पर कोई बात नहीं यार, अब तो बोलते ना अपने मन की करो बस, जो अच्छा जो मन भावे वही करा। ओ यार कोई बात नहीं, पहले मार दिया बस, तुम लोगों ने पता चल गया ना। यही है कि यार जो जवानी में जो मिलता है लगाओ, पहनो, मस्त हो जाओ, बिंदास हो जाओ, क्योंकि बुढ़ापे में तो कोई चीज सलवार सूटों पे ही आना है। अभी जवानी में कुछ भी पहनो, मस्त रहो, भले चंगे रहो, है ना? चलो ये गाना ए जी सुना। अभी तो
आनी रूपियों की लगी पाल फूटी मेरो तेरा गड़ा ब्यू करी वैसे पतियों की हालत वैसे होती है ना, धोबी का ना ना घाट का, बीच में नहीं बोलूंगी भाई। चलो ठीक है, ये गाना बहुत अच्छा लगा मुझे, केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।